अरे वाह गोपिका, तुम तो आज वाकई में बहुत खूबसूरत लगती हो। थैंक यू जग्गी जी। वो दरअसल जय और वीरू गजरा लेकर आ गए, नहीं लगाती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वैसे आपको भी तो गजरा पसंद है ना? तुम दोनों चलो, हम अभी आए। हाय समीरा। हाय। हाय पिंकू। सतर्क रहना होगा और सावधान भी, अपनी आंखें खुली रखनी होगी। टेंशन नॉट वेवान जी, हम इस बार समीरा को अपनी दाल गलने नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। जय श्री कृष्ण समीरा। Wish you many happy returns of the day. Jai Shri Krishna Kokila Ben. Jai Shri Krishna Mathura Ben. Happy birthday Samira. ये यहाँ कैसे? पता नहीं देवन जी, पर ये माता जी यहाँ आई है, इसका मतलब कोई ना कोई नौटंकी जरूर होगी। मिसेस लालवानी, मशहूर लॉयर, इन सबको समीरा ने बुलाया है। इसका यही अर्थ है कि आज अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है हम सबके खिलाफ। अब आएगा असली मजा। ये मथुरा बहन और मिसेस लालवानी, ये बजाएगी मोदियों का बाजा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? एक बात का ख्याल रखना है, समीरा हम सबको दुश्मन मानती है। मथुरा बेन और मिसेस लालवानी, उनको यहाँ बुलाकर अपनी दोस्ती जता रही है। इसका यही अर्थ है समीरा हम पर बहुत बड़ा वार करने वाली है। इससे पहले कि वो हम पर वार करे, हमारा ये जानना जरूरी है कि वो क्या षड्यंत्र रचने वाली है, ताकि हम स्वयं को बचा सकें। पर माँ जी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसने आखिर प्लान क्या किया है? सीता दीदी चलो खेलते हैं। बर्थडे बेबी, तुम्हारा स्पेशल केक आ गया। ये मथुरा बहन कब से खड़ी है, कुछ खा भी नहीं रही है वैवान जी, और ऐसे कोर रही है जैसे मानो अभी हमें कच्चा खा जाएगी। ये कौन है कोकिला बहन? आज से पहले तो कभी देखा नहीं इनको किसी फैमिली फंक्शन में आपने। रमीला बहन। अरे रमीला बहन, आशु
आप तो कब से जूस ही पिए जा रही है। अरे स्टार्टर कब खाएंगी आप? स्टार्टर एंड में नहीं पहले खाया जाता है, इसीलिए तो इसको स्टार्टर बोलते हैं। चलिए आप फटाफट फटाफट स्टार्ट हो जाइए, एकदम गर्मा गर्म है। हाँ देखो वीरू मेरी कार कितनी फास्ट है। पता नहीं समीर आज क्या करने वाली है, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अबे ओए फेंक के खेलो ना, थैंक गॉड केक बच गया। हेलो वो क्या गिरा हुआ है? ये सीता तू अभी तक यहीं पर है? अरे बाहर जाकर देख, वो एक्स्ट्रा पूरी पिंकुड़ा का नाच देखकर सब औरतें हमारे सामने ऐसे देख रही है जैसे हम कहां से ये नमूना उठा कर ले आए हो। उबेन ये क्या है? पता नहीं नानी। उर्मिला बेन आप यही रह गई, क्या हुआ? बाप ये क्या देख रहे हैं आप लोग? बाप अभी अभी जो आदमी केक पहुंचाने आया था ना उसके बैग से ये पैकेट गिरा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या। क्या है वेवान जी, कुछ पता चला? एक भगवान सीता तुम पूरे यकीन के साथ कह रही हो कि ये पैकेट जो केक देने आया था उसके बैग से गिरा? हाँ बाप मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ये क्या? बारूद। मधुरा आंटी अरे आप तो कुछ भी नहीं खा रहे, स्टार्टर्स भिजवाऊं? नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में। ठीक है कुछ भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा। अब मैं आप सबको जो कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए, पर कृपया चेहरे पर कोई भाव मत लाइएगा वरना इन सबको पता चल जाएगा। अभी अभी रसोई घर से पारोद मिला है। क्या बारूद? हाँ जो केक लेकर आया था उस लड़के के बैग से वो बारूद के पैकेट्स मिले। इसका मतलब कहीं समीरा इस बारूद का इस्तेमाल करके कोई धमाका करने के चक्कर में तो नहीं है ना जी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।